हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर। आज हम डिस्पर्सल के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर। कल हमने डिस्पर्सल के बारे में पढ़ा था विंड के द्वारा, कि विंड के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है और किन किन प्लांट्स के अंदर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सर्टेन सीड्स डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट। कुछ प्लांट्स या कुछ जो प्लांट के सीड्स होते हैं उनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है। फ्लोटिंग मतलब तैरने की क्षमता उनके अंदर होती है, और वो स्पंजी भी होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं या फिर फाइब्रस होते हैं, जिससे कि वो आसानी से वाटर के अंदर तैर सकते हैं। उनका जो आउटर कोट होता है, सीड का आउटर कवरिंग होती है, सीड कोट, वो इस प्रकार का होता है कि वो जो है आसानी से पानी के अंदर, वाटर के अंदर इजीली फ्लोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द कोकोनट फ्रूट्स हैव ए थिक फाइब्रस आउटर कोट दैट एनेबल देम टू फ्लोट इन वाटर एंड इज कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस। जो कोकोनट का सीड होता है, कोकोनट का जो फ्रूट होता है, उसका जो सीड होता है, उसकी जो आउटर कोट होता है वो उसको फ्लोट करने में सहायता करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, द सीड्स ऑफ वाटर लिली प्लांट एंड लोटस प्लांट। ये वाटर लिली और लोटस तो पानी में ही रहते हैं, वाटर के प्लांट हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो इनके जो सीड्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और उनका जो आउटर कोट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, दैट अलाउ देम फ्लोट ऑन वाटर, जो कि उनको वाटर पर फ्लोट होने में सहायता करता है, तैरने में सहायता करता है, एंड मूव टू अदर प्लेसेस अलोंग विद द वाटर करंट। तो जैसे जैसे पानी आगे की तरफ बहता है, तो उसी पानी के बहाव के साथ ही जो सीड है वाटर लिली और लोटस के, वो भी आगे की तरफ डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि सीड का डिस्पर्सल वाटर के द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा भी होता है डिस्पर्सल। सर्टेन सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू फार ऑफ प्लेसेस बाय सर्टेन एनिमल्स। कुछ सीड्स एनिमल्स के द्वारा भी डिस्पर्स किए जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। दे कैन बी कैरिड अवे बाय वेरियस मीन्स, और ये कई प्रकार से होता है। सम फ्रूट्स डिवेलप हुक ऑन देयर सरफेस बाई विच दे गेट अटैच्ड टू द फर ऑफ एनिमल्स। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक हुक जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि किससे अटैच होती है, गेट अटैच टू द फर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के फर होते हैं, बाल होते हैं, उनसे अटैच हो जाते हैं वो हुक। इन दिस वे दे आर कैरिड अवे टू डिस्टेंस प्लेसेस, और इस प्रकार से जो सीड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि चला जाता है एनिमल्स के हेयर में लग के। दिस वे दे आर कैरिड अवे टू डिस्टेंस प्लेसेस बिफोर दे गेट रब्ड ऑफ फ्रॉम देयर बॉडीज। और एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स जब अपनी बॉडी को रब्ड करते हैं या झाड़ते हैं, तो वो सीड जो है
दूर स्थान पर जाकर गिर जाते हैं। तो डिस्पर्सल हो गया एनिमल्स के द्वारा, यानी कि एनिमल्स की बॉडी के द्वारा चिपक के वो सीड्स आए और एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए। एंड फॉल फॉल टू ग्राउंड, फॉल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड में गिर जाते हैं कहीं पर भी किसी भी जगह पर। द सीड्स ऑफ गोखरू, जेंथियम एंड यूरेना आर डिस्पर्स्ड बाई एनिमल्स ड्यू टू देयर हुक्ड सरफेस। ये कुछ प्लांट्स के नाम हैं जिनके सीड्स जो हैं एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे कि जैंथियम है, यूरेना है और गोखरू। आप लोग पिक्चर भी देख रहे होंगे साथ में, ये जो पिक्चर लगी है फर्स्ट पिक्चर देखिए, गोखरू, ये गोखरू का सीड है सॉरी। और सेकंड जो है जैंथियम का सीड है, ये किसी एनिमल के हेयर पे जो है लग जाते हैं और उनके द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। समटाइम्स एनिमल्स ईट सीड्स अलोंग विद द फ्रूट्स। कई बार क्या होता है, एनिमल्स जो है सीड्स को खा भी जाते हैं, फ्रूट को खा जाते हैं सीड सहित, उनके बीज को वो अलग नहीं करते ह्यूमन बींग की तरह। दीज सीड्स रिमेन अनडाइजेस्टेड, और ये सीड जो है डाइजेस्ट नहीं होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, एंड पास आउट विद फेसिस एट सम अदर प्लेसेस, और उनकी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एन एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म दैट इज एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। कई बार क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो फटने के कारण जो बीज हैं उसके सीड्स हैं वो बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है डिस्पर्सल का, सीड्स के डिस्पर्सल का। समटाइम्स द फ्रूट्स ऑफ ए फ्यू प्लांट ब्रस्ट विद सडन जर्क्स ऑन ड्राइंग। जो सीड्स होते हैं कई बार वो सूख कर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स। तो इस प्रकार जो सीड्स हैं वो पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं, दूसरी जगह पर स्कैटर हो जाते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन प्लांट्स लाइक बाल्सम, कस्टर, पी, ग्रेनियम टेक्स प्लेस बाई एक्सप्लोजन ऑफ देयर फ्रूट्स। ये कुछ प्लांट्स के नेम हैं जिनके अंदर जो जर्मिनेशन है सॉरी डिस्पर्सल है वो एक्सप्लोसन के द्वारा होता है, यानी कि सीड का जो एक्सप्लोजन होता है फटने के द्वारा होता है।